ग्वालियर जिले में चाकू की नोक पर घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 22 मई को इंदरगंज थाना क्षेत्र में स्थित कमल सिंह के बाग में एक युवक ने देर रात घर में घुसकर एक युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला था। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने चिनोर रोड पर आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को पकड़ लिया और जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मौके पर आरोपी द्वारा फायर आर्म सहित अन्य बिंदुओं की पड़ताल कर रही है। देखिए, ये जो कोमल भदकारिया एक कुख्यात अपराधी है, ये मूल रोहत भिंड का रहने वाला है और इसके पूर्व में भी हत्या लूट जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन थी कि ये आज सुबह चिनोर की तरफ फरार होने वाला है। इसमें 3 फुट पुलिस पार्टियाँ लगाई गई। पुलिस पार्टी को देखते हुए इसके द्वारा जो इसके बाद इलीगल फायर आर्म्स थे उस पर पुलिस पार्टी फायर किए गए। पुलिस पार्टी में जो TI इंद्रगंज थे उनकी गाड़ी में एक गोली लगी। पुलिस पार्टी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए और इसी गिरफ्तारी को देखते हुए फायर आर्म का उपयोग किया गया, उसमें घायल हुआ है। इसको तत्काल मेडिकल एड उपलब्ध कराई गई। GH अस्पताल में पुलिस की गाड़ी इसको लेके आई है। अभी ट्रॉमा वार्ड में एडमिट है, जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है।